हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। विमान मंत्रालय ने कहा योजनाबद्ध तरीके से शुरू होगा ऑपरेशन। एयरपोर्ट को तैयारी करने के लिए कहा गया। कल देश भर में सबसे ज्यादा 5611 नए कोरोना मरीज मिले। 140 और लोगों की जान गई। पूरे देश में अब तक 3300 लोगों को मार चुका है कोरोना वायरस। महाराष्ट्र में करीब 1400 पुलिस वालों को हो चुका है कोरोना इन्फेक्शन। इनमें से 425 ठीक भी हुए, 12 की जान गई है। पूरे राज्य में कोरोना के 37,000 मामले हैं। दिल्ली में छूट के साथ तेजी से कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। कल 534 नए कोरोना मरीज मिले, कुल संख्या 11,000 से ज्यादा हुई। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर लोगों का हंगामा, पुलिस पर पथराव किया। पुलिस बॉर्डर पार करने नहीं दे रही थी तो भड़क गए लोग। लॉकडाउन 4 शुरू होते ही दिल्ली के कारंदी कुंज में रोज लग रहा है ट्रैफिक जाम। चेकिंग पोस्ट पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग रही है। दिल्ली में छूट के बाद बस चल रही है लेकिन संख्या कम होने से लोग परेशान। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत बोले आज से 2000 बस चलना शुरू। दिल्ली के लाजपत नगर में छूट के बाद दुकानें खुली। ऑड इवन का नियम लागू है लेकिन अभी बाजार में ज्यादा ग्राहक नहीं दिख रहे। गौतम बुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी जगह दुकान उद्योग खुलेंगे। दिल्ली नोएडा बॉर्डर फिलहाल सील रहेगा, सिर्फ पास से एंट्री होगी। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 12,000 से ज्यादा पहुंची। वडनगर में एक कोरोना पीड़ित मां ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, उनमें से एक कोरोना संक्रमित है। मध्य प्रदेश के 52 में से 49 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ने से खतरा और बढ़ रहा है। बिहार में नीतीश सरकार की मंजूरी के बाद ऑटो रिक्शा चलना शुरू हो गए हैं। पटना से आई तस्वीरें, ऑड इवन नंबर के हिसाब से बसें भी चलेंगी। अमृतसर में सरकारी बसें चलना शुरू हो गई हैं, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ। अभी सिर्फ आधी सवारी ही बैठाई जा रही है। लॉकडाउन 4 में छूट के बाद पंजाब के लुधियाना में खुली खाने की दुकानें, लेकिन अभी सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी होगी। अमृतसर में प्रशासन की लापरवाही, मेडिकल जांच और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रवासियों को इकट्ठा किया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटते रहे। राजस्थान में आज कोरोना के 100 से ज्यादा नए केस आए। यहां लॉकडाउन में छूट बढ़ी है। स्कूल कॉलेज में छात्र नहीं, अभी सिर्फ स्टाफ आ सकता है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में श्रमिक ट्रेन के पास के लिए मजदूरों की भारी भीड़ लग गई। यहां से यूपी बिहार घर लौटना चाहते हैं मजदूर। बिहार के जहानाबाद में प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार, 20 से ज्यादा घायल हो गए। तेलंगाना में भी सरकारी बसें चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन हैदराबाद में सिर्फ जुबली बस स्टेशन से ही चलेंगी क्योंकि यहां कंटेनमेंट जोन ज्यादा है। 21 साल में पहली बार इतना बड़ा तूफान ओडिशा और बंगाल से टकराया। उम्फुन तूफान की वजह से 4 घंटे तक तेज हवा चली, बिजली सप्लाई कई जगह ठप। उम्फुन तूफान की वजह से ओडिशा और बंगाल में 5 लोगों की मौत की खबर। 5,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। ओडिशा के पारादीप में दोपहर को उम्फुन तूफान की वजह से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली, कई जगह तो पेड़ गिर गए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद। आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर गोलियां बरसाई थी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में रिहायशी इलाके में आग से अफरा तफरी मची, कई घर जल गए, लोगों को सुरक्षित बचाया गया, कई जानवरों की जलकर मौत। लेह मनाली नेशनल हाईवे फिर से चालू, 6 महीने से बंद था रास्ता। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बर्फ हटाने का किया है काम।